तो संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूँ। तो पॉलिटेक्निक की एक सुंदर भविष्य की कामना करते हुए कुछ बच्चों की एडवाइस है जो मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा, ताकि हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में ऐसे क्या परिवर्तन किए जाएँ जिससे कि बच्चों का भविष्य और सुंदर हो। और ये छोटी छोटी बातें जो हर कॉलेज से मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की बातें सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर एक पहल करे। और अब तो मोदी सरकार फिर से दोबारा आ गई है सरकार में, और चूंकि हमारे गवर्नमेंट में भी उन्हीं का सरकार है, तो ये चीज़ें अगर वहाँ तक पहुँच पाती है तो एक बहुत बड़ा चीज़ होगा। तो चलिए भाई, मेरे सामने आपके निर्सा पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, तो मुझे बताएं कि क्या क्या आपको लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन होना चाहिए एजुकेशन में, जो आपको लगता है कि ऐसा हो जाए तो देश के भविष्य में कुछ परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में सर बोलना ये चाहेंगे कि जैसे कि अभी जो हम लोग साइंस का बुक क्लास 10 में बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर आज है यही चैप्टर और सारा रिटर्न सारा चीज 8-9 साल पहले भी यही चीज 8-9 साल पहले भी था। हाँ, अभी तक तो 8 क्लास तक के बुक पे चेंज किया गया है, एनसीईआरटी में 8 तक बुक चेंज किया, 19 भी चेंज किया, मतलब कि नहीं चेंज किया जा रहा है, लेकिन ये होना चाहिए जबकि सर अब बाहर से बाहर हम देखें सर तो वहाँ पे देंगे कि लोग एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम मतलब कहना ये चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हम लोग के अपग्रेडेड जो सोसाइटी में चल रही है, जैसे कि सर जैसे अभी फोन आ रहा है उसको डिफरेंट उसके वर्जन आ रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के सिलेबस में कुछ मतलब लेटेस्ट वर्जन आए ताकि हम लोग भी लेटेस्ट तरीके से पढ़ सके और मतलब कि मुख्य धारा में आ सके। सही बात है भाई, एजुकेशन सिस्टम में 10 से लेकर कॉलेज के पॉलिटेक्निक तक में अगर बुक को अपग्रेड किया जाए थोड़ा सा, ये भी काफी इम्पोर्टेंट हुआ। तो चलिए, ये बातें गवर्नमेंट भी मेरे ख्याल से इस चीज को जरूर सुन रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके गवर्नमेंट तक पहुँचाएं तो एक संदेश जाएगा सरकार तक। और कुछ जो परिवर्तन आपको लगता है कि कॉलेज में, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ रिसर्च बेस पे हो पाए, तो रिसर्च के लिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हो जिससे रिसर्च में और कॉलेज में ज्यादा फायदा हो पाएगा? जितने भी हमारे लैब वगैरह वेल इक्विप्ड हो सर, सारे मतलब जितने भी जरूरी चीज है वो उसके साथ साथ मतलब कि उसके लिए सर एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाए और फिर अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर, वेल क्वालिफाइड लैब के लिए कुछ वेल क्वालिफाइड टीचर की सख्त आवश्यकता है। यहाँ के सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैं भी विजिट किया हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है मशीन्स की कमी है, मशीन तो सब जगह अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा। हाँ, लेकिन उसके साथ अगर कुछ अच्छे फैकल्टी जो लैब को डिजाइनिंग समझ पाए और बच्चों को इजी वे में उस चीज का प्रैक्टिस करवा पाए, तो ये बच्चे करना चाहते हैं खुद में। और इसके लिए गवर्नमेंट पहल करे कि हर जगह एक लैब के लिए अलग डिपार्टमेंट ही बना दे जो हर जगह लैब को हैंडल करे अच्छी तरह से अपग्रेडेड कर, तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। सीमेंस को लाया गया, हाँ सीमेंस का तो मैंने भी वीडियो भी डाला है। और लास्ट मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का बच्चों की ये दायित्व तो होगी कि आफ्टर जॉब के बाद भी एक लाइफ टाइम पढ़ाई चलता रहे, रिसर्च चलता जाए, ये हमारे इंडियन यूथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप रियल पॉइंट पे पहुंचते हो, देखो सबसे बड़ी बात, अभी तो मिडिल क्लास फैमिली और बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बच्चे डिप्लोमा में आते हैं, तो भाई अभी तो पैसे की सख्त जरूरत होती है, इसलिए प्लेसमेंट लेना एक मजबूरी भी है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन प्लेसमेंट के बाद अगर आप कंटिन्यू अपनी स्टडी को जिंदा रखते हैं, रिसर्च लेवल पर कुछ काम करते हैं, तो सोसाइटी को इससे कुछ मिल पाएगा। और ये चीज में मैंने देखा है कभी थोड़ा सा मुझे दिखता है इंडिया में कि जैसे ही प्लेसमेंट हो गई लोग किताब को भी हटा दिए और अपने फैमिली लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आपका क्या विचार है कि इसमें मेरा ये विचार है कि जैसे हम लोग सेटल हो गए इसका रुकना नहीं है सर, क्योंकि हमको एक कहावत है ना सर, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन रूल ओवर द वर्ल्ड। यस सर, इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी सर, अभी आने वाले दिनों में भी हम लोग हो जाएंगे सर, बस अटते हम लोग यूथ को अपना जितना पोटेंशियल है पूरा पावर झोंक देना है सर। इसका ये नहीं कि जैसे जॉब हो गया तो मतलब वहीं पे स्टेबिलिटी जब गेन किए तो रुक गए, उसके बाद भी हमको पढ़ना है, खुद के लिए तो पढ़ना ही है लेकिन देश के लिए भी पढ़ना है। क्योंकि आने वाले दिनों में सर हम ही लोग अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव हो गए सर, आज से 10-15 साल बाद हम ही लोग के बाहर देश जाना जाएगा, तो हम लोग का ये युवा लोग के लिए इच्छा होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए भी कुछ करें सर, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इस देश में कुछ बदलाव ला सकते हैं। निश्चित, बहुत बड़ी बात है भाई, इन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातों को कर दिया। और अगर ऐसी स्थिति युवाओं में है, अगर युवाओं में आज मैं निरसा पॉलिटेक्निक में जो जोश देखा हूँ, तो सबसे पहले मैं हृदय से इनका आभारी रहूँगा कि इस तरह का सोच रखने वाले बच्चे आज निरसा पॉलिटेक्निक में हैं।
और आने वाले 2030 तक देश का कायापलट हो जाएगा अगर ऐसे सोच के हर बच्चे युवा हो जाए हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो ऐसी सोच भरनी होगी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के वीडियोस को देखने के बाद आप भी शायद इन बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो चलिए भाई, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और एक सुंदर भविष्य की कामना करते हुए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।